क्या ज़्यादा रियाज करने से जल्दी सिंगर बन जाते हैं? अगर दिन दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे रियाज कर लें, हैं 18-18 घंटे पूरा पूरा दिन ही संगीत को दे लें, सो खाना पीना सोना सब छोड़ दें, तो सिंगर बन जाएंगे? और कितनी जल्दी बन जाएंगे? आइए पूरा वीडियो देखिए और चर्चा करते हैं कि क्या ये सत्य है, और अगर है तो क्या करना पड़ेगा रियाज में, और अगर नहीं है तो क्या नहीं करना पड़ेगा रियाज में। पूरा वीडियो देखिएगा, जानिए कि ज्यादा रियाज करने से जल्दी सिंगर बनते हैं या नहीं। ऐसे हालात हो तो क्या करें, ये करें ना करें क्या करें। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा ही प्रचलित चीज है कि 8-8 घंटे रियाज कीजिए, 10-10 घंटे रियाज कीजिए, यानी सिर्फ रियाज 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 और कुछ मत कीजिए, अभ्यास में ही पूरे दिन पड़े रहिए, साज गायकी अलंकार राग पलटे, बस इसी के दरमियान आपकी जिंदगी गुजरे तो आप जल्दी से कलाकार बन जाएंगे। सबसे पहली चीज, ये अधूरा सच है, झूठ है नहीं बोलूंगा, गलत है नहीं बोलूंगा, अधूरा सच है। कैसे? एक संगीतकार को सिर्फ गला नहीं चाहिए होता, एक गाने वाले को सिर्फ गला अच्छा तैयार हो ये नहीं चाहिए होता है, उसका जहन उसका दिमाग भी अच्छा तैयार होना चाहिए। उसके दिमाग में जो सारी चीज़ें हैं वही तो वो अपने गले से हाथ से शरीर से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दिन दिन भर अलंकार गाते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, उससे बेहतर हो जाएगा ये सही नहीं है। एक्सरसाइज और टेक्निक्स, इन दोनों का बैलेंस जो होता है वो एक अच्छा कलाकार बनता है। आदत जिगर और हिसाब, हमेशा कहा ही है मैंने, आदत यानी तैयारी, गले की हाथ की पाँव की शरीर की कितनी है वो आदत होती है, हैबिट प्रैक्टिस कितनी है, जिगर यानी टेम्परमेंट उसका मूड कैसा है गाने का, उसका उसका भाव क्या है, भाव पक्ष क्या है, और हिसाब यानी उसकी गणित क्या है, क्या ताल क्या लय क्या सुर क्या राग क्या थाट क्या पिच, सारी बातें उसमें आ जाए। इन तीन स्तंभों पर जो खड़ा है उसकी इमारत ऊंची है, वो सबसे आगे है, वही कलाकार है। ज्यादा गा लेने से जल्दी सिंगर नहीं बन जाते हैं, जल्दी सिंगर तो ऐसा है कि बनते ही नहीं है। सिंगर बनने के लिए सब्र लगता है और मेहनत लगती है, गुरुओं के साथ रहना पड़ता है, खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, मुनव्वर राणा साहब का बहुत मशहूर शेर है ये, यानी गुरु की संगत भी करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें, कलाकार को बहुत सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, समाज का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, पाकशास्त्र भी उसे अब पता होना चाहिए, अभिनय भी उसे मालूम होना चाहिए, ऑडियंस हैंडल कैसे करते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन उसे मालूम होनी चाहिए, वो एक कलाकार बनता है। पुराणों का नॉलेज जिसके पास होता है वो जल्दी कलाकार बनता है, अगर जल्दी ही बनना है तो। सिर्फ रियाज कर लेने से नहीं बनता है, जिसका गला अच्छा चलता है या जिसका हाथ अच्छा चलता है तबले पे वो एक अच्छा कलाकार है, नहीं, दिमाग और गले का बैलेंस वो एक अच्छा और जल्दी कलाकार बनता है। अब आइए ये बात करते हैं, जो 8 घंटे 10 घंटे रियाज करते हैं क्या वो जल्दी सिंगर बन सकते हैं? नहीं। अगर 8 घंटे 10 घंटे आपने गलत रियाज कर लिया तो जल्दी तो क्या, जितना टाइम लगना चाहिए था उससे भी 4 गुना टाइम लग जाएगा, और हो सकता है उससे 4 गुना टाइम में भी ना बने अगर आपको किसी ने बीच में बताया ही नहीं कि भैया सही नहीं चल रहे हो। आपको ये है ना कि किसी मंजिल पर पहुंचना है तो दौड़ के पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर गलत डायरेक्शन में दौड़ के निकल गए और 100 मीटर दूरी पर ही वो था तो कोई चल के उस पर पहुंच जाएगा आपसे पहले, और आप दौड़ के पूरा शहर घूम के पहुंचना तब भी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो उतनी सी बात है कि ज़्यादा रियाज कर लेने से कुछ नहीं होगा। संगीत में बहुत सारी चीज़ें, मल्टी डिमेंशनल होता है, हर चीज़ पे फोकस करना होता है, सिर्फ रियाज पे ही नहीं। ऐसा नहीं बस मैं तो मेरा कमरा लूँ वहाँ घुस जाऊँ कमरे में बैठ के, बस मैं तो गाता बजाता रहूँ, दुनिया जाए तेल लेने, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, ऐसा आदमी कभी कलाकार नहीं बन सकता। कलाकार बनना है, जल्दी बनना है तो रियाज के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी, पढ़ना शुरू करो, साहित्य पढ़ो, भाषा सुधारो, साहित्य का ज्ञान लो, पुराणों की नॉलेज लो, तब जाके एक अच्छा कलाकार जल्दी बनोगे, तब जाके एक कलाकार बन पाओगे। वरना क्या होगा, सिर्फ गला चलेगा और कुछ नहीं, दिमाग और गले का बैलेंस नहीं होगा, आप एक बेकार कलाकार माने जाओगे,
वही बात बोली जाएगी, यार इसका गला अच्छा चलता है पर भाव नहीं है, भाव है लेकिन गला नहीं चलता है, गला और भाव दोनों है लेकिन हिसाब नहीं है, कहीं सम नहीं आता है, कभी ताल चूक जाता है, कभी पिच से बाहर हो जाता है ना। तो एक अच्छा कलाकार ज़्यादा रियाज से नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें का बैलेंस होता है जो उसे करना पड़ता है, गुरु की संगत होती है, व्यवहार सीखना पड़ता है ना, रागों के भावों को समझना पड़ता है, इतिहास समझना पड़ता है, समाज समझना पड़ता है, ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ों का ज्ञान और सही रियाज करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ज़्यादा नहीं सही रियाज, सही रियाज कम भी होगा उसका असर ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा रियाज गलत होगा उसका असर कम होगा। ये समझ के चलिए, है ना, छोटी सी चीज़ है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे वीडियोज़ रैंडम वीडियोज़ नहीं देखने, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, विधिवत ढंग से नियमित निरंतर सीखना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वही चीज़ें, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लास ज्वाइन करना, और कुछ लोग कर भी पाते हैं अफोर्ड, तब भी वो नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है यूट्यूब से सीख लेंगे ना। यूट्यूब से संगीत नहीं सीखा जा सकता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, हमें पता है, इतने वीडियोस हम डाल चुके हैं, इतनी प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, इनफैक्ट मानेंगे नहीं इतना संगीत हम सिखा चुके हैं जितना कोई स्टूडेंट सीख नहीं पा रहा है, इतना मटेरियल हम दे चुके हैं, इतनी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो काम तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरी नहीं तो किसी और की, किसी की भी ज्वाइन कर लो भाई, नहीं तो लोग कहेंगे आप तो अपनी क्लास बेच रहे हो, मत ज्वाइन करो, मगर विधिवत ढंग से कहीं जाकर सीखो तो मालूम चलेगा कि स्टेप्स क्या हैं। लेकिन वही बात है ना, गलत जगह चले गए वो भी तो हानिकारक है, उससे कैसे बचोगे है ना। तो खैर, छोटी सी बात थी, इस पर ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं कि सिर्फ रियाज के चक्कर में मत चले जाओ, अब एक कोने में अपने कमरा लेकर मस्त अपना हारमोनियम लेकर बस वहीं पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों से मिलकर भी संगीत आता है, ऑब्जर्व करते हो आप, इनफैक्ट दूसरा म्यूजिक भी सुनो, हर प्रकार का संगीत सुनो, वेस्टर्न, बॉलीवुड, जैज, ब्लूज, ये जो स्केल्स होते हैं, या यू नो विदेशी गायकी, वेस्टर्न वोकल, साउथ इंडिया का म्यूजिक, हर प्रकार का संगीत सुनो, तब जाके एक अच्छा कलाकार जल्दी से बनोगे, सिर्फ रियाज से नहीं, ज़्यादा रियाज से नहीं, और ज़्यादा रियाज की कैपेसिटी डेवलप करो, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से 8 घंटा कर लोगे तो हो जाएगा, 8 घंटा बैठ नहीं पाओगे पहले दिन, गला ही नहीं चलेगा, तो कैपेसिटी भी धीरे धीरे डेवलप होती है ना, और कैपेसिटी सही रियाज से डेवलप होती है, गलत रियाज से कैपेसिटी नहीं डेवलप हो जाती आपकी, और गलत रियाज से अगर कैपेसिटी डेवलप कर ली है तो फिर तो वो और हानिकारक है, फिर तो आप सही उसको कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उसको घिस लिया गलत को, ठीक है। तो गलत रियाज से बचो, और बचना मतलब कौन से पिच से करना है, रियाज में क्या करना है, किस समय करना है, इन सारी चीज़ों का, रियाज के दौरान आपको क्या क्या बहुत सारी स्थितियों का ख्याल रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एक प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, विधिवत ढंग से अगर क्लास ज्वाइन करोगे तो वहाँ भी मालूम चल जाएंगी, ठीक है। तो ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस हैं, अवेलेबल है, वीडियो कॉल पर है, 1-on-1 है, ग्रुप है, हर प्रकार की क्लासेस है, किताब है हमारी पूरी की पूरी स्वरांगिनी, उसमें विधिवत सिलेबस है संगीत का, कौन सी चीज़ पहले सीखनी है वो है, नॉलेज भी लेना पड़ता है ना, थ्योरी भी समझनी पड़ती है, लय ताल क्या होती है, कौन सी राग में क्या सुर लगता है, कैसे लगता है, अलंकार, थाट, पिच, आवाज़ लगाने का क्या तरीका है, ये सब नहीं जाना और सिर्फ रियाज में लग गए बिना कुछ जाने समझे तो कैसे होगा। और इनफैक्ट ये सब जानने के बावजूद भी अगर साहित्य का नॉलेज नहीं हुआ, मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं हुआ, अध्यात्म का नॉलेज नहीं हुआ, तब भी जल्दी कलाकार नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखो और ज्वाइन करो ऑनलाइन क्लासेस, मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, कहीं भी सीखिए, मगर ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास अगर हो पाए तो बहुत ही बढ़िया, गुरु की संगत हो पाए तो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अगर वो ना भी हो सके तो भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके एटलीस्ट वर्चुअल संगत तो कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कुछ ना कुछ बातें मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा।